गाइज, आज हमारे पास दो बहुत ही कमाल के स्मार्टफोन्स हैं। एक तो है वीवो का B29 जो कि अभी एक या डेढ़ महीने पहले लॉन्च हुआ फ़ोन है। वहीं दूसरी तरफ है हमारा iPhone 11 और iPhone की भाई बात ही अलग है। तो आज हम दोनों फ़ोन्स को कंपेयर करने वाले हैं कि आपको कौन सा फ़ोन लेना चाहिए या कौन सा आप फ़ोन स्किप कर सकते हैं। वहीं अगर आपको iPhone 12 और वीवो B29 का वीडियो देखना है तो हमारे चैनल पर आ चुका है लिंक, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से जाके आप पूरा वीडियो वॉच कर सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं iPhone 11 और वीवो के B29 के बारे में। तो अगर देखिए वीवो के B29 की बात करूं तो इस फ़ोन को लगभग मैंने 33,000 रुपीज़ का बाय किया है, जो कि 8GB रैम एंड 128GB रोम के साथ में है। और इसी के साथ ही अगर iPhone 11 की बात करूं तो ये फ़ोन थोड़ा मेरा पुराना हो चुका है और इस फ़ोन की जो रोम है वो है 64GB। उसी के साथ ही iPhone 11 भी मैंने लगभग 33,000-34,000 रुपीज़ का आपको मिल जाता है। अगर iPhone 11 आप अभी ख़रीदने जाएंगे तो आपको 43,000 या 44,000 रुपीज़ का देखने को मिलेगा। अगर कोई भी सेल आती है फ्लिपकार्ट या अमेजोन की तो ये फ़ोन आपको सस्ता देखने के लिए मिल जाता है। अगर iPhone 11 के प्रोसेसर की बात करें तो आपको पता होगा iPhone में चिप्स होते हैं, तो iPhone 11 में लगाया गया है A13 बायोनिक चिप जो कि अच्छी खासी मल्टीटास्किंग कर सकता है। वहीं देखिए वीवो के B29 की बात करें तो इस फ़ोन में भी आपको मिलता है स्नैपड्रैगन का 778G प्रोसेसर जो कि 2.4GHz पे काम करता है और यह एक 5G प्रोसेसर है। वहीं अगर आईफोन की बात करें तो आईफोन 11 आपको 4G सपोर्ट देता है, 5G फ़ोन नहीं है। अब गाइस बात कर लेते हैं दोनों फ़ोन्स के डिस्प्ले के बारे में। तो फ्रेंड्स, वीवो का जो फ़ोन है उसके अंदर आपको मिलता है 6.78 इंचेस का फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले जो कि 120 हर्ट्ज का है एंड बहुत ही अच्छा वर्क करता है। उसी के साथ ही वीवो B29 में एक प्लस पॉइंट ये है कि उसका डिस्प्ले कर्व है, तो इसलिए इसमें कंटेंट देखते हुए बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। आप कोई भी वीडियो चला के बैठिए या मूवी देखना पसंद करते हो तो वीवो के फ़ोन में आपको बहुत ही कमाल की पिक्चर क्वालिटी मिल जाती है। वहीं देखिए iPhone 11 की बात करें तो iPhone 11 में आपको मिलता है 6.1 इंचेस का लिक्विड रेटिना डिस्प्ले जो कि काफ़ी अच्छा है एंड एक्सपीरियंस और कलर्स काफ़ी अच्छे देता है, लेकिन डिस्प्ले में काफ़ी बड़ा नॉच है। ये मुझे iPhone का ड्रॉबैक लगता है और इसीलिए कंटेंट देखते हुए प्रॉब्लम आपको हो सकती है। पर गाइस, अगर दोनों फ़ोन्स के बैटरी के बारे में बात करूं तो वीवो के B29 के अंदर आपको मिलता है 4600 mAh का बैटरी। उसी के साथ ही फास्ट चार्जिंग सपोर्ट है, आपका फ़ोन लगभग 30-35 मिनट में फुल्ली चार्ज हो जाता है। वहीं देखिए अगर iPhone 11 की बात करें तो इसके अंदर आपको मिलता है 3110 mAh का बैटरी जो कि काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है, बहुत अच्छे टाइम तक रुक जाता है बैटरी iPhone का और हो सकता है वीवो के फ़ोन से ज़्यादा भी चले। लेकिन इसमें एक ड्रॉबैक मुझे ये लगा कि फास्ट चार्जिंग सपोर्ट नहीं है, फ़ोन बहुत धीरे धीरे चार्ज होता है, तो ये मुझे iPhone में थोड़ी सी दिक्कत मालूम पड़ी है। उससे पहले आपको बता दूं, iPhone में आपको वाटर प्रूफिंग मिल जाती है, 2 मीटर पानी में डाल के आप 30 मिनट तक iPhone को रख सकते हो। एंड सॉफ्टवेयर वाइज iPhone बहुत ज़्यादा कमाल के होते हैं, हमेशा लाइफ टाइम के लिए सॉफ्टवेयर्स iPhone के मिलते रहते हैं। उसी के साथ ही देखिए वीवो का फ़ोन है वो लगभग 3 साल का सॉफ्टवेयर अपडेट आपको देगा। एंड फ्रेंड्स, अगर देखिए कैमरे की बात करें तो कैमरा डिपार्टमेंट में भाई दोनों फ़ोन बहुत ही ज़्यादा कमाल के हैं। और देखिए अगर वीवो के फ़ोन की बात करें तो वीवो में आपको मिलता है 50 MP का मेन कैमरा, 8 MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस और 2 MP का माइक्रो कैमरा। वहीं अगर फ्रंट कैमरे की बात करें तो 50 MP का फ्रंट कैमरा वीवो में लगाया गया है। वहीं देखिए अगर iPhone 11 की बात करें तो मॉडल काफ़ी पुराना हो चुका है क्योंकि अभी चल रही है iPhone 15 सीरीज और iPhone 11 में लगाए गए हैं 12 मेगापिक्सल के 2 कैमरे बैक में। उसी के साथ ही फ्रंट में भी 12 मेगापिक्सल का सेंसर लगाया गया है जो कि काफ़ी अच्छी फोटोज एंड वीडियोज ले लेता है। अब फ्रेंड्स, आपको एक चीज़ मैं क्लियर करके बता दूं, वीवो के फ़ोन में चाहे पोर्ट्रेट शॉट कितने ही बढ़िया आ जाए, देखिए वीवो का B29 पोर्ट्रेट शॉट के लिए जाना जाता है, वहीं देखिए आईफोन है वो फोटोज़ के लिए और वीडियो के लिए दोनों के लिए जाना जाता है। अब देखिए वीवो के फ़ोन में मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग किया, फ़ोटोज़ भी खींचे, तो फोटो बहुत ही कमाल के आ रहे थे। वीवो B29 में बहुत ही अच्छे पोर्ट्रेट शॉट आ रहे थे, आप यहाँ पर देख भी सकते हो, जो भी मैंने शॉट्स खींचे हैं, जो भी फ़ोटोज़ लिए हैं आप यहाँ पर
डायरेक्टली देख सकते हो। बहुत सारे फोटोज़ मैं यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ क्योंकि सारे फोटोज़ वीवो के B29 से लिए गए हैं। एंड गाइज अगर देखिए वीवो के B29 के वीडियो की बात करूँ तो वीडियो में मुझे थोड़ी सी दिक्कत मालूम पड़ी। क्वालिटी तो अच्छी कैप्चर कर लेता है वीवो का B29, लेकिन 4K 30fps का सपोर्ट आपको बैक कैमरे में देखने को मिलता है। बैक में आपको 4K 60fps विद स्टेबलाइजेशन का सपोर्ट मिल जाता तो उसका मजा ही अलग होता, और स्टेबलाइजेशन भी मुझे खास वीवो का लगा नहीं। वहीं अगर फ्रंट कैमरे की बात करूं तो फ्रंट में जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तो फ्रंट में वीडियो में 4K का सपोर्ट नहीं है, 1080p पे सपोर्ट करता है। शायद वीवो का B29 जो प्रो वर्जन आया है उसमें आपको 4K 60fps और 4K 60fps का फ्रंट में भी सपोर्ट मिलता है, लेकिन वीवो के B29 में ये ऑप्शंस नहीं दिए गए हैं। वहीं देखिए अगर आईफोन की बात करूं तो आईफोन का मॉडल कितना भी पुराना हो गया हो लेकिन 4K 60fps आपको बैक कैमरे में भी देखने को मिलता है और फ्रंट कैमरे में भी। तो आप अभी जो फोटोज़ देख रहे हैं ये सारे मैंने आईफोन 11 से लिए हैं, एंड ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ये भी मैंने आईफोन से ही ली है, और मैंने अच्छा खासा ब्लॉग टेस्ट भी किया था आईफोन 11 से। तो फ़ोन में स्टेबलाइजेशन तो बहुत ही कमाल का है। फ़ोन चाहे कितना भी पुराना हो गया हो, अगर देखिए आप फ़ोन लेना ही चाहते हैं तो दोनों फ़ोन में आप कंपेयर कर सकते हैं खुद से, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें आपको क्लियर करके बता दी हैं। और आईफोन में आपको वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट मिलता है, उसी के साथ ही अपडेट्स भी मिलते रहते हैं। लेकिन आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, आईफोन अगर आप लेने वाले हो चाहे 11 चाहे 12, तो आप इन दोनों फ़ोन को हटा के आईफोन 13, 14 या 15 में से एक चूज़ कर सकते हो। क्योंकि गाइज अगर आप आईफोन 11 लोगे तो आईफोन 12 भी सेम प्राइस पे ही आ रहा है, और आईफोन जो 13 और 14 का प्राइस है वो भी लगभग सिमिलर है, तो आप चूज़ कर सकते हो जो भी आपके लिए ठीक लगे। तो फ्रेंड्स अगर आप वीवो के लवर हो या फिर आईफोन के, आप देख सकते हो कि कौन सा फ़ोन बढ़िया है। सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर क्लियर कर दी हैं, और हो सकता है परफॉर्मेंस में आपको दोनों फोन्स में से वीवो का फ़ोन बढ़िया लगे, क्योंकि वो अभी लेटेस्ट में ही आया है और इसमें लगा है स्नैपड्रैगन का 778G प्रोसेसर। आपको मिलती है कर्व डिस्प्ले, उसी के साथ ही फ़ोन 5G है और फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी रखता है। तो आईफोन अगर आप लेने वाले हो तो आईफोन 11 से बढ़िया आप वीवो का फ़ोन चूज़ कर सकते हो, और अगर आईफोन की तरफ जाना चाहते हो तो आप आईफोन 13 चूज़ कर सकते हो या फिर उससे ऊपर के मॉडल्स चूज़ कर सकते हो। कि आप जो भी फ़ोन लेना चाहें वो आप फ़ोन देख सकते हैं, ले सकते हैं। बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी। अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट कर सकते हो, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। और आपने अगर आईफोन 12 और वीवो के B29 फ़ोन का कंपेयर नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर देख सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है और एंड स्क्रीन पर भी वीडियो लगा दिए, यहाँ से प्ले करके भी देख सकते हो। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।